We want to continue looking at the reasons why we keep falling into sin and do not grow spiritually. हम उन कारणों पर विचार करते रहना चाहते हैं जिनके कारण हम पाप में गिरते रहते हैं और आत्मिक रूप से विकसित नहीं हो पाते. Perhaps this could solve the problem you are facing right now. शायद यह अध्ययन उस समस्या का समाधान कर सकता है जिसका आप अभी भी सामना कर रहे हैं. Study we were considering the fact that under grace there is no need for any of us to be mastered by sin. अपने पिछले अध्ययन में हम इस तथ्य पर विचार कर रहे थे कि अनुग्रह के तहत हम में से पाप किसी पर भी प्रभुता नहीं कर सकता. Grace is God's power that enables us to overcome. अनुग्रह परमेश्वर की सामर्थ है जो हमें जय पाने में सक्षम बनाता है. In fact, Romans 6:14 is such a clear promise. Sin shall not be master over you, for you are not under law, but under grace. वास्तव में रोमियो 6:14 इतना स्पष्ट वादा है कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर सकता क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हो. एंड इफ वी डू फॉल, if we are not growing spiritually in the sense of overcoming sins that we have been constantly defeated by in the past. We considered in our last study that one of the primary reasons could be, और यदि हम गिरते हैं, यदि हम उन पापों पर विजय पाकर आत्मिक रूप से विकसित नहीं हो रहे हैं जिनसे हम अतीत में लगातार पराजित हुए हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले अध्ययन में माना था, and often is the fact that we do not fear God. प्राथमिक कारणों में से एक यह हो सकता है कि अक्सर यह तथ्य है कि हम परमेश्वर का भय नहीं मानते. You know, God has given all of us a private area in our life. आप जानते हैं परमेश्वर ने हम सभी को जीवन में एक निजी क्षेत्र दिया है. It's our thought life. यह हमारा विचार का जीवन है. Nobody can enter in there, not even your wife or your husband. वहाँ कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता, यहाँ तक कि आपकी पत्नी या आपका पति भी. The thoughts that go on in your mind are a private area. आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वे एक निजी क्षेत्र है. And it is in that totally private area of your life that God tests you to see whether you fear Him or not. और आपके जीवन के उस निजी क्षेत्र में परमेश्वर आपकी परीक्षा लेता है यह देखने के लिए कि आप उसका भय मानते हैं या नहीं. एंड दैट इज हाउ गॉड इज टेस्टिंग द एंटायर ह्यूमन रेस. और इसी तरह से परमेश्वर हर मनुष्य का परीक्षण करता है. कंसीडर फॉर अ मोमेंट, सपोजिंग योर थॉट्स साउंडेड आउट लाउड लाइक योर वर्ड्स. आई एम श्योर गॉड कुड हैव मेड मैन इन सच अ वे दैट आवर थॉट्स साउंड आउट loud just like our words do. एक पल के लिए विचार करें, मान लीजिए कि आपके विचार आपके शब्दों की तरह जोर से सुनाई देते. मुझे यकीन है कि परमेश्वर ने मनुष्य को इस तरह से बनाया होता कि हमारे विचार हमारे शब्दों की तरह जोर से सुनाई देते हैं. Would you then be more careful with your thoughts? तो क्या आप अपने विचारों के साथ अधिक सावधान रहते? Then why are you not careful when your thoughts are silent and other people cannot hear it? तो फिर आप आपके विचारों से क्यों सावधान नहीं है जबकि वो सुनाई नहीं देते और अन्य लोग इसे नहीं सुन सकते? Does it mean that you're not bothered whether God hears it? You're only concerned that men should not hear it? क्या इसका मतलब यह है कि अगर परमेश्वर इसे सुनता है तो आपको कोई चिंता नहीं है लेकिन आपको केवल इस बात की चिंता है कि मनुष्य इसे ना सुने? That's an indication that we fear men more than we fear God. यह इस बात का संकेत है कि हम ईश्वर से ज्यादा मनुष्य का भय मानते हैं. I'm convinced that one of the most important things that you and I need to develop in our life is the fear of God. मुझे विश्वास है कि सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक जिसे आपको और मुझे अपने जीवन में विकसित करने की आवश्यकता है वह है परमेश्वर का भय. David said in one of the Psalms, "Come, my children, I will teach you the fear of God." We have to learn it. दाऊद ने भजनों में से एक में कहा, आओ मेरे बच्चों, मैं तुम्हें परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा. हमें अपनी इंद्रियों को विकसित करके परमेश्वर की उपस्थिति में इसे सीखना है. We have to learn through developing our senses to fear the presence of God who is always with us wherever we are, who hears every thought that passes through our mind as loudly as other people can hear our words. हमें अपनी इंद्रियों को विकसित करके ईश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर का भय मानना सीखना होगा, जो हम जहाँ भी हो हमेशा हमारे साथ है, जो हमारे दिमाग से गुजरने वाले हर विचार को उतने ही जोर से सुनता है जितनी जोर से दूसरे लोग हमारी बातें सुनते हैं. And it's not just that
we need to fear God as much as we fear man. बात सिर्फ यह नहीं है कि हमें परमेश्वर से उतना ही डरना है जितना हम मनुष्य से डरते हैं. That itself would bring a terrific deliverance. But certainly we are to fear him more. इससे एक शानदार मुक्ति मिलेगी, लेकिन निश्चित रूप से हमें उससे और भी अधिक परमेश्वर का भय मानना होगा. In fact, one of the sins mentioned in Romans 1 and verse 25 is that people worship the creature more than the creator. वास्तव में रोमियो 1:25 में वर्णित पापों में से एक यह है कि लोग सृष्टिकर्ता से अधिक सृष्टि की आराधना करते हैं. They worship a man's opinion more than God's opinion. वे परमेश्वर की राय से अधिक मनुष्य की राय की आराधना करते हैं. And we are all basically like that. You know, from childhood we grow up being afraid of people's opinions. हम सब मूलत रूप से ऐसे ही हैं. आप जानते हैं, हम बचपन से ही लोगों की राय से डरते हुए बड़े होते हैं. We want to impress people, but we're not so concerned about impressing the Lord. हम लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर को प्रभावित करने की उतनी चिंता नहीं करते. And that's the result of that is that we keep falling into sin. और इसका परिणाम यह होता है कि हम पाप में गिरते रहते हैं. Because if we're going to be careless in our thought life, in our inner attitudes and motives, which nobody can see but God, there's never going to be any purity in our life. We're just going to be defeated constantly. यदि हम अपने विचार जीवन में, अपने आंतरिक दृष्टिकोण और उद्देश्यों में, जिससे ईश्वर के अलावा कोई नहीं देख सकता, लापरवाह हो जाएंगे, तो हमारे जीवन में कभी भी पवित्रता नहीं होगी. हमें लगातार हारते ही जा रहे हैं. So here is the number one reason why many people never make progress in overcoming sin, because they have never sought to develop the fear of God in their life. यह मुख्य कारण है कि क्यों बहुत से लोग पाप पर विजय पाने में कभी प्रगति नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने जीवन में परमेश्वर का भय मानना, विकसित करने की कोशिश नहीं की है. Now, let me give you a second reason. अब मैं आपको दूसरा कारण बताता हूँ. The Bible says in Romans 1:17 that the righteous man will live by faith. बाइबल रोमियो 1:17 में कहती है कि धर्मी मनुष्य विश्वास से जीवित रहेगा. All progress in the Christian life is by faith. मसीह जीवन में सारी प्रगति विश्वास से होती है. And if you don't believe this promise, for example, in the letter of Jude, verse 24, where it says Jesus can keep you from falling. यहूदा के पत्र वचन 24 में यह कहा गया है, यीशु तुम्हें गिरने से बचा सकता है. यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो, if you don't believe that, it's never going to take place in your life. और यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो यह आपके जीवन में कभी घटित नहीं होगा. If you don't believe that God is intensely interested in your living in victory over sin, you're never going to experience it in your life. यदि आप यह विश्वास नहीं करते कि पाप पर विजय प्राप्त करना आपके जीवन के लिए परमेश्वर की गहरी रुचि है, तो आप इसे अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे. If you don't believe that sin is a serious matter, you're not going to overcome sin in your life. यदि आप यह नहीं विश्वास करते कि पाप एक गंभीर मामला है, तो आप अपने जीवन में पाप पर विजय नहीं पा सकेंगे. We need to have faith in the word of God. हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखने की आवश्यकता है. Let me give you one or two examples which would prove to you why sin is so serious. मैं आपको एक या दो उदाहरण देता हूँ जिससे आपको यह साबित हो जाएगा कि पाप इतना गंभीर क्यों है. In the beginning of the history of the human race, when God created Adam and Eve, He gave them only one commandment, not 10 commandments, one commandment. मानव जाति के इतिहास की शुरुआत में जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, तो उन्होंने उन्हें केवल एक ही आज्ञा दी, 10 नहीं, सिर्फ एक आज्ञा. And He told them not to eat of a particular tree. That was all. They lived with one commandment. उसने उनसे कहा कि वे किसी विशेष वृक्ष का फल न खाएं. यह सब कुछ था. वे एक आज्ञा के साथ रहते थे. And one would think they could have enjoyed life so much because that was a beautiful garden with everything available. कोई सोचेगा कि वे उस खूबसूरत वाटिका की वजह से जीवन का इतना आनंद ले सकते थे जहां सब कुछ उपलब्ध था. And all they had to do was keep one commandment, don't eat of that tree. That was not at all difficult. और उन्हें बस एक आज्ञा का पालन करना था. यह बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था. But they disobeyed that one commandment, probably on the very first day. परंतु उन्होंने उस एक आज्ञा का उल्लंघन किया, संभवतः पहले ही दिन में. And what was the result? और परिणाम क्या हुआ? Did God give them a second chance? क्या परमेश्वर ने उन्हें दूसरा मौका दिया? No. He didn't say, okay, let's overlook this failure. You probably didn't realize how serious it was. I'll give you one more chance. There was no
सेकेंड चांस। नहीं, उन्होंने यह नहीं कहा ठीक है चलो तुम्हारी विफलता को नजरअंदाज करें, आपको शायद एहसास नहीं हुआ कि यह कितना गंभीर था, मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। नहीं, कोई दूसरा मौका नहीं था। Now, if our children make a mistake, we'd give them a second chance. अब अगर हमारे बच्चे गलती करते हैं तो हम उन्हें दूसरा मौका देते हैं। God never gave Adam and Eve a second chance. He turned them out of the garden immediately. परमेश्वर ने आदम और हवा को कोई भी दूसरा मौका नहीं दिया, उसने उन्हें तुरंत वाटिका से बाहर कर दिया। Is it because God is not compassionate? क्या इसका कारण यह नहीं है कि ईश्वर दयालु नहीं है? Do you think you are more compassionate than God as a father when you give your child a second chance or a third chance or a tenth chance? Certainly not. क्या आपको लगता है कि जब आप अपने बच्चे को दूसरा या तीसरा मौका देते हैं तो आप एक पिता के रूप में आप परमेश्वर से अधिक दयालु होते हैं? हरगिज नहीं। There's no one in the universe more compassionate and more merciful than God. सृष्टि में परमेश्वर से अधिक दयालु कोई भी नहीं है। If you have a little compassion in your heart, you got that from God. यदि आपके हृदय में थोड़ी सी भी दया है तो वह आपको परमेश्वर से ही मिली है। It's a little drop in the ocean of God's compassion. यह परमेश्वर के दया के सागर में एक छोटी सी बूंद है। God loved Adam and Eve intensely. Why didn't He give them a second chance then? परमेश्वर ने आदम और हव्वा से अत्यधिक प्रेम किया, फिर भी उन्होंने उन्हें दूसरा मौका क्यों नहीं दिया? Because sin is so serious. It's not a light thing. क्योंकि पाप बहुत ही गंभीर है, यह कोई हल्की बात नहीं है. So right at the beginning of the Bible, you see the seriousness of sin in this one act of God. In not giving Adam and Eve a second chance. तो बाइबल की शुरुआत में ही आप आदम और हव्वा को दूसरा मौका न देने के परमेश्वर के इस कार्य में पाप की गंभीरता को देख सकते हैं. You know, many children take some of the commandments or the commands or the orders of their parents very lightly, saying, "Yeah, daddy and mommy won't mind even if I do it." आप जानते हैं कि कई बच्चे अपने माता पिता की कुछ आज्ञाओं को बहुत हल्के में लेते हुए कहते हैं, हाँ अगर मैं ऐसा करूंगा तो पिताजी और माँ कोई आपत्ति नहीं होगी. And very often they are right. They disobey their parents don't take it seriously and they let them go. और अक्सर वे सही होते हैं क्योंकि उनके माता पिता की अवज्ञा करते हैं और उनके माता पिता उसे गंभीरता से नहीं लेते और उन्हें जाने देते हैं. And it's possible that Adam and Eve felt in the same way. Well, God's a loving God, and after all, He won't take it seriously if we just slip up a little bit. ये संभव है कि आदम और हव्वा ने भी ऐसा ही महसूस किया हो. आखिरकार परमेश्वर एक प्रेम करने वाला परमेश्वर है. अगर हम थोड़ा सा भी चूक गए तो वह इसे गंभीरता से नहीं लेगा. But they discovered that sin was serious. They discovered that one sin was enough to shut them out from God's presence forever. लेकिन उन्हें पता चला कि पाप गंभीर था. उन्हें पता चला कि एक पाप उन्हें हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करने के लिए पर्याप्त था. Sometimes people say, "Oh, that was only one sin." Well, how many sins did Adam commit before he was shut out of God's presence forever? 20? 30? 100? No, not even 2. One. कभी कभी लोग अपने पाप के संबंध में कहते हैं, ठीक है यह केवल एक ही पाप है, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर किए जाने से पहले आदम ने कितने पाप किए थे? 20, 30, 100? नहीं, 2 भी नहीं, बस एक ही. Why am I stressing this? मैं इस पर जोर क्यों दे रहा हूं? I have found in my life very, very few believers who believe that even one sin is serious. मैंने अपने जीवन में ऐसे बहुत से कम विश्वासियों को पाया है जो मानते हैं कि एक पाप भी बहुत गंभीर है. It says in Romans 6:1, shall we continue in sin that grace may abound? रोमियो 6:1 में कहा गया है, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुतायत से बढ़ते रहे? It says in Romans 6:15, and the literal translation of Romans 6:15 is, what shall we say then? Shall we sin even once that grace may abound? फिर से हम रोमियो 6:15 शाब्दिक अनुवाद को लेते हुए में देखते हैं कि तब हम क्या कहें, क्या हम एक बार भी पाप करें कि अनुग्रह बहुत हो जाए? Have you ever asked yourself that question? Shall I sin even once? क्या आपने कभी अपने आप से ये प्रश्न पूछा है, क्या हमें एक बार भी पाप करना चाहिए? I wish we could see how serious sin was. काश हम देख पाते कि पाप कितना गंभीर है. In Adam's time and in our time, that is the first proof that God takes sin very seriously. आदम के समय में और हमारे समय में भी यह पहला प्रमाण है कि परमेश्वर पाप को बहुत ही गंभीरता से लेता है. That a compassionate, merciful God could not give Adam and Eve a second chance. One sin shut them out of His presence
permanently. दयालु और कृपालु परमेश्वर आदम और हवा को दूसरा मौका नहीं दे सका. एक पाप ने उन्हें उसकी उपस्थिति से स्थायी रूप से दूर कर दिया. And even if they never committed another sin in their whole life, they'd have still gone to hell. One sin was enough. भले उन्होंने अपने पूरे जीवन में कभी कोई दूसरा पाप न किया हो, फिर भी वे नर्क जाएंगे, क्योंकि एक पाप काफी है उन्हें नर्क ले जाने के लिए. Now I want to show you a second example. अब मैं आपको दूसरा उदाहरण दिखाना चाहता हूँ. This one was from the Old Testament. Now I'll show you an example from the New Testament. And it's not something you don't know. यह पिछला वाला पुराने नियम से था. अब मैं आपको नए नियम से एक उदाहरण दिखाऊंगा, और यह कोई ऐसी बात नहीं है जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं. Why did Jesus die on Calvary's cross? प्रभु यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर क्यों मरे? What was the reason? Sin. इसका क्या कारण था? पाप. Supposing only one man had committed only one sin in the history of the human race. मान लीजिए कि मानव जाति के इतिहास में केवल एक ही व्यक्ति ने केवल एक ही पाप किया है. Tell me, do you think Jesus would have come down from heaven to die for that one man's one sin? I believe he would have. तो मुझे बताएं कि आपको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति के लिए उसके एक पाप के लिए मरने के लिए स्वर्ग से नीचे आते? मेरा विश्वास है वे जरूर आते. You see, it's not just that he took the sins of the whole world, millions of sins. If one man only had committed only one sin, Jesus would still have to come and die to save that one man. आप देखिए, ऐसा नहीं है कि उसने पूरी संसार के पाप, लाखों पाप के लिए यदि केवल पाप के लिए जीवन दिया. यदि केवल एक ही व्यक्ति ने केवल एक ही पाप किया होता, तो भी यीशु मसीह को उस एक व्यक्ति के लिए पाप से बचाने के लिए मरने के लिए धरती पर आना पड़ता. From that one sin, the consequences of that one sin. उस एक पाप के परिणाम से. And when Jesus died, just before he died for 3 hours, we read the sun was darkened and at 12 noon it became like midnight on the earth. जब यीशु की मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु से ठीक पहले 3 घंटे तक, जैसा कि हमने पढ़ा, सूरज अंधकारमय हो गया. Why did it become like midnight? दोपहर 12 बजे धरती पर आधी रात जैसा माहौल क्यों हो गया? Why did it become pitch dark at 12 noon? दोपहर 12 बजे एकदम अंधकार क्यों हो गया? Because God turned away his face from his own son. In all eternity that had never happened. क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र से मुंह फेर लिया था. पूरे अनंत काल में ऐसा कभी नहीं हुआ था. God the Father and Son were in perfect fellowship for years. परमेश्वर पिता और पुत्र वर्षों से पूर्ण संगति में थे. But for 3 hours, the Father turned away his face from his Son. परंतु 3 घंटे तक पिता ने अपने पुत्र से मुंह फेर लिया था. Broke fellowship with his Son. अपने बेटे के साथ संगति तोड़ दी थी. And what Jesus endured during those 3 hours? Was the agony of being forsaken by God, what we would call hell, on the cross. उन 3 घंटों के दौरान यीशु ने जो सहन किया, वो ईश्वर द्वारा त्याग दिए जाने की पीड़ा थी, जिसे हम क्रूस पर नर्क कहेंगे. What is that proof? That sin is extremely serious. इससे क्या सिद्ध होता है कि पाप अत्यंत ही गंभीर है. That Jesus Christ has to suffer so much. जिसके कारण यीशु मसीह को इतना कष्ट सहना पड़ा. When we believe the word of God. We will take sin seriously. जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, तो हम पाप को गंभीरता से लेंगे. I am absolutely convinced, dear friends, that many of us have not overcome sin because we have not seen the seriousness of sin. प्रिय मित्रों, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि हम में से कई लोग पाप पर विजय नहीं पा सके हैं, क्योंकि हमने पाप को गंभीरता से नहीं लिया. If you got a leprous patch in your hand, what would you do? Would you ignore it? Or would you rush to? अगर आपके हाथ में कोढ़ का दाग लग जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप इससे नजरअंदाज करेंगे या डॉक्टर के पास भागेंगे? If you felt a pain in your stomach which you thought might be cancer, what would you do? यदि आपके पेट में दर्द महसूस हो और आपको लगे कि यह कैंसर हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? Would you delay in going and getting an X-ray or a scan and getting a doctor's opinion? क्या आप जाकर एक्सरे या स्कैन करवाने और डॉक्टर की राय लेने में देरी करेंगे? Why do we rush? Why do we take leave from our work the very next day and go to the doctor? Because we know these things are serious. हम क्यों जल्दी करते हैं? हम अगले ही दिन अपने काम से छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि ये बातें गंभीर हैं. Supposing your blood test shows that you got AIDS, what would you do? Just ignore. मान लीजिए कि आपके रक्त परीक्षण से पता चलता है कि आपको AIDS है, तो आप क्या करेंगे? इसे अनदेखा कर देंगे? How many of us believe that sin is more serious
than all these things. कितने लोग मानते हैं कि पाप इन सभी बातों से अधिक गंभीर है? Do you believe the word of God? क्या आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं? Here is the reason, the number two reason why many people fall. They do not believe that sin is serious. They do not believe God's word that with grace you can overcome sin. यह दूसरा कारण है जिसके कारण बहुत से लोग गिरते हैं. वे विश्वास नहीं करते. वे नहीं मानते कि पाप गंभीर है. वे परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं करते कि अनुग्रह से आप पाप पर विजय पा सकते हैं. Take God's word seriously from today onwards. Every word of God and see if it doesn't make a difference in your life. आज से ही परमेश्वर के हर वचन को गंभीरता से ले. परमेश्वर के हर वचन को गंभीरता से ले और देखे कि इससे आपके जीवन में कोई फर्क पड़ता है या नहीं.